इन करने के लिए छोटा नहीं ना हो गया नहीं हो पक्का ना ठीक है चार साल का बच्चा बोलते हैं ठीक है देख लीजिए सब स्कूल का ड्रेस मिल जाता है यार थोड़ा महंगा लग रहा है यार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम रोड तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग ड्रेस लेने आए थे बच्चे लोग का, थोड़ा ड्रेस और शूज़। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बुक्स वुक्स ले लेंगे, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी जस्ट बारिश हुआ है तो आप लोग मौसम भी देख सकते हैं कैसा है। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग निशान बाबू का बुक सब खरीदने के लिए आए हैं डोरंडा। तो अभी दुकान ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है। अभी हम लोग बस डोरंडा बाज़ार के पास है, देखते हैं आगे जाके कहाँ पर है, फिर लेते हैं बुक। उसके बाद फिर इधर से निकलेंगे, फिर दिखाएंगे रांची में अभी फ्लाईओवर का काम कितना चल रहा है, कैसा कितना काम हुआ है, तो आप लोगों को दिखाएँगे नज़ारा थोड़ा क्या है उधर का। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। डोरंडा जा झंडा चौक पूछना पड़ेगा क्या? सीधा जाने बोला है क्या? मंदिर तरफ जाने बोला है? आगे सीधे रहे मंदिर, सीधे सीधा साइड में मंदिर इधर होगा। तो हम लोग को ये मिल गया है बुक। आगे जाके और भी खराब हो जाएगा पूरा। अचानक मोड़ दे रहा है, इंडिकेटर नहीं दिया था, ऐसे में ना होता एक्सीडेंट। देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों कितना जाम लग चुका है यहाँ पे, बहु बाजार वाला रोड है। अरे हाँ, अभी कितना देर लगेगा पता नहीं।
देख सकते हैं दोस्तों, लोगों को आने जाने में कितना दिक्कत हो रहा है और एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है जाम में। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, यहाँ एक और अच्छा काम हो रहा है तो दूसरी समस्याएँ भी होती हैं। बस स्टैंड राइट साइड में और हम लोग चलेंगे लेफ्ट। देख सकते हैं इधर कितना काम हुआ है फ्लाईओवर वाला, और इससे कितना दिक्कत हो रहा है आप पब्लिक को आप देख ही सकते हैं। लेफ्ट चलेंगे ना हम लोग, ये है काड़ा टोली चौक। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कचहरी रोड पे, यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये कुछ ही देर की बारिश का पानी है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर थोड़ी देर बारिश का ये हाल है तो फिर अगर कंटिन्यू बारिश होगा तो क्या होगा। दोस्तों अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं रांची में जिन्हें सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना फिर यही हाल रहेगा। और पता नहीं ये भाई साहब इतने खुश क्यों हैं। और हम लोग पहुंच गए हैं अभी मुराबादी, तो जाते हैं कुछ खाते हैं उसके बाद चलेंगे घर हम लोग। देखते हैं वेज चिल्ली खाने का तो बात हुआ है, देखते हैं मिलता है कि नहीं। वेज चिल्ली खाएगा ना यार? चलो वेज चिल्ली खाएंगे उसके बाद घर जाएंगे। अभी हम लोग मुराबादी में हैं और थोड़ा कुछ दूर फिर चलते हैं खा पी के घर। Thank you.
बस आगे वाला होटल, राइट साइड आगे वाला जो है ना वो वाला। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं माँ काली स्वीट्स होटल पे। और अगर आप मुराबादी में रहते हैं, मुराबादी के आसपास रहते हैं या बरियातों में रहते हैं, तो हरिहर सिंह रोड एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ का वेज चिली ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं भैया। और अगर आप यहाँ पर पहले कभी खाए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और नहीं खाए हैं तो आकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो अगर आप मुराबादी के साइड से आते हैं तो यह राइट साइड पर पड़ेगा, और बरिया तो रिम्स की तरफ से अगर आते हैं तो यह लेफ्ट के साइड पड़ेगा। तो चलिए खाते हैं, प्लीज खाते हैं आप लोग। दोस्तों हमारा वेज चिल्ली आ चुका है और हम लोग खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा लगा। और ये मात्र 30 रुपये का है, और जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर खाएं और हमें भी बताएं कैसा लगा।